नहीं 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 चेंज नहीं करना, वो सारी गड़बड़ चेंज से होती है, जैसा मैंने कहा वैसा ही लिखो। नहीं नहीं हेलो एडिटर नेटवर्क फोन पर। सुनो खच्चर, अगर जान प्यारी है तो धर्मदास के बारे में झूठी खबरें छापना बंद कर। अरे जा जा, हमको धमकी देता है, अभी तो शुरू किया है, दर्जनों लेख छपेंगे क्योंकि खबर सच्ची है। सुन बे जोकर नटवर, तू मुझे नहीं जानता इसीलिए चेक रहा है, मैं 4 कत्ल कर चुका हूँ, दोबारा तूने ऐसा लेख छापा तो मैं तेरी पूंगी बजा दूंगा, मैं तेरा बैंड बजा दूंगा। फोन पे धमकी दे रहा है इधर। अरे माँ का दूध पिया तो सामने आकर बात कर, शेर की मूछ रखता है ये मर्द बच्चा, नजर मिला के देख तेरी भूख खिसक जाएगी, हट। किसका फोन था नटवर जी? अजी था कोई धर्मदास का कॉकरोच, तुम्हारे लेग बंद करवाना चाहता है। अरे उसका बाप भी बंद नहीं करा सकता, तू जुटी रहे बच्ची, इन भेड़ियों का भांडा फोड़ के रख दे, खबरें और फोटो लाती जा, असली काम मैं करूंगा। मैं ये फोटो और खबरें ले आई तो फिर कौन सा असली काम रहेगा नटवर जी? छापना, छापने का हुक्म तो मैं ही दूंगा ना भैया। बड़ी मेहरबानी सर, हमारा काम तमाम हो गया, अगर आप इजाजत दें तो हम। बेधड़क जाइए बेधड़क जाइए, मगर सुनो राधा, अगर उस कॉकरोच का फोन आए या वो खुद आए तो शेरों वाली इस मूछ को पुकार लेना, हम आ जाएंगे। जरूर सर, बड़े मेहनती हो दोनों, जाओ। आप तो हाथ धो के धर्मदास के पीछे पड़ गई हैं। वो इसलिए क्योंकि धर्मदास एक गिरा हुआ इंसान है, समाज का दुश्मन है, उसका भांडा फोड़ने के लिए ही तो मैं जर्नलिस्ट बनी हूँ। धर्मदास के लिए? उससे आपकी कोई निजी दुश्मनी है क्या? मुझे तो शक है कि हमें तबाह करने में भी धर्मदास का ही हाथ है। मतलब उस हार की चोरी में? जी, मगर उसने आपके खिलाफ क्या किया बताइए भी, आप उसकी हर बात कैसे जान लेती हैं? आप जानना चाहेंगे? मैं धर्मदास की जेवरात की दुकान में काम करता था, उसने मुझे एक पैकेट किसी को पहुंचाने के लिए दिया, मुझे नहीं मालूम था उसमें स्मगलिंग के हीरे हैं, रास्ते में मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन धर्मदास ने मुझे पुलिस के सामने पहचानने से इनकार कर दिया और खुद को बचा लिया। देखती हूँ कब तक बचा रहता है वो पाकंडी, मैं साबित करके रहूंगी कि धर्मदास ही असली मुजरिम है। आपके नाम से ये झूठा कलंक मिटा कर ही चैन मिलेगा मुझे। वो लोग बड़े खतरनाक हैं बेटे, और तू अकेली जान। आप परेशान ना हो सर, राधा उतनी अकेली भी नहीं है। जीते रहो बेटे, जीते रहो। चलो भाई, मुलाकात का टाइम खत्म हो गया। चलो बाबूजी, अपना ख्याल रखना, और देखो मेरी चिंता बिल्कुल मत करना। क्या करूं जालिम सलाहों को, ऐसी होनहार बेटी को कलेजे से भी नहीं लगा सकता। विजय, मेरी बच्ची का ख्याल रखना। आप फिक्र मत कीजिए सर, बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। माँ माँ, बड़े भाई आ रहे हैं किसी लड़की के साथ। चल हट, विजय ऐसे चक्करों से कोसों दूर रहता है। वो चक्कर सीधा घर में पहुंच रहा है माँ, खुद ही देख लो। हाँ माँ, माँ बाबूजी है। ऐसे क्या देख रही हो? हाँ ये राधा है, राधा जी है, मेरे साथ काम करती है। अच्छा अच्छा, साथ काम करके लोग एक दूसरे को समझने लगते हैं, फिर मेलजोल तो बढ़ेगा ही। अरे बेटी खड़ी क्यों, आओ बैठो यहाँ, यहाँ बैठो आराम से। पहले आप तो बैठे ना माँ जी। देखा माँ, बड़ों का आदर करना भी जानती है। बड़ी सुशील लगती है। बेटी तुम अखबार में काम करती हो, तब तो काफी पढ़ी लिखी होगी। जी एमए तक। यानी भैया जितनी पढ़ी लिखी है माँ? खूब जजेगी जोड़ी भैया। तू अपनी बकवास बंद करेगी। मैंने क्या किया? आपने अपनी माँ और बहन से मेरे बारे में क्या कह दिया है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कहा। क्यों माँ, तुम ही बताओ, मैंने तुमसे कुछ कहा? कुछ भी नहीं कहा। कहने की जरूरत नहीं बेटे, मैं समझ गई। जरूरत से ज्यादा मत समझो तुम, मैंने बाबूजी से मिलाने लाया हूँ यहाँ। और तू चिंता मत कर, तेरे बाबूजी को भी राधा बेटी बहुत पसंद आएगी। अरे बाबा तुम लोग कमाल करते हो। हाँ, ये राधा बेटी है, अपने विजय के साथ काम करती है। नमस्ते, आपसे मिलाने लाया है। राधा जी हमें तो बहुत अच्छी लगी बाबूजी, आपको भी पसंद आई ना? अरे पसंद कैसे नहीं आवेगी, हमारे विजय बाबू की पसंद गलत थोड़ी हो सकती है। मालिक हम सबका मुंह मीठा कराते हैं। मुझे भी कुछ बोलने दिया जाएगा कि नहीं, प्लीज? बोल बेटा बोल। मैं राधा जी को यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि आपको यकीन दिला सकूँ कि धर्मदास ने ही मुंशी जी के जरिए वो आबनूर हीरों का हार गायब करवाया होगा। अरे वो पुराना जौहरी है बाबूजी,
ऐसा नकली हार जो असली से मिलता हो सिर्फ धर्मदास ही बना सकता है। राधा जी उसकी असलियत जानती है, इनके पिता को भी तबाह करने वाला वही है। इनके पिता को? जी। तुम्हारे पिताजी कौन है बेटी? बोलो ना, कहाँ है आजकल वो? जी जी बाबूजी, वो आजकल जेल में है। जेल में? अब तुम किसके साथ रहती हो राधा बेटी? जी मैं अकेली रहती हूँ। और तुम्हारी माँ? माँ अब नहीं है। और कोई रिश्तेदार? जी कोई भी नहीं। तो अब हमें अपना बनाओ बेटी। हाँ बेटी, अब हमारे यहाँ आती रहना। अरे मालकिन, कुछ ऐसा काम करो कि ये बिटिया यहाँ से जा ही ना सके। इन्हें अपने घराने की बहू बना के ले आओ। वाह भैया वाह, तुम तो बड़े छुपे रास्ते निकले भाई। ये इनके साथ पूना वाली तकरार प्यार बनकर घर तक पहुंच। मैंने देखा नहीं आप यहाँ खड़े, वो दरवाजे से आते ही राधा जी को देखा तो बस देखता ही रह गया। अच्छा माँ जी, अब मैं चलूं? क्या है, जरा जल्दी घर पहुंचना था। अच्छा बेटी, अब आती रहना, इसे अपने ही घर समझना। विजय, राधा को घर तक छोड़ा। अच्छा नमस्ते। 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 बेस्ट ऑफ लक। रवि, विजय क्या राधा को पुणे से जानता है? हाँ माँ, और इन दोनों की जुगलबंदी मैंने ही तो जमाई थी। अच्छा? पढ़ना तुम तो जानती हो माँ, विजय भैया रोमांस के माँ। तो थ्री एसिस क्लब में फोटोज लेने के लिए तुम अकेली जाना चाहती हो? आप जाना चाहते हैं तो आप चले जाइए। नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे जा सकता हूँ, मुझे तो यहाँ बैठना पड़ेगा ना तुम्हारी रक्षा के लिए। मगर नटवर जी, वो वाकई बहुत खतरनाक लोग हैं, मैं जाऊंगा इनके साथ। आप फिक्र ना कीजिए, मुझे कुछ ना होगा। शेरनी। मेरी रक्षा करने के लिए कसरत हो रही है पहलवान जी। पूछ सकती हूँ आजकल आपको मेरी इतनी चिंता क्यों लगी रहती है? जानती हूँ आप ही होंगे। अपने काम में ध्यान लगाइए श्रीमान, मैंने कहा तो था मुझे कुछ ना होगा। तेरा तो बैंड बच जाएगा छोकरे। उजाला अखबार में हमारे खिलाफ तू ही लिखती है ना? कौन हो तुम? हाथ थोड़ा। What? सुना तू हसी है, जवा है और अकेली रहती है। रात को 5 मुस्टंडे आएंगे और तेरे को उठाकर ले जाएंगे और उसके बाद सब मिलकर बारी बारी तेरी गद्दर जवानी के साथ। नीच कमीना। हाँ जल्दी से आ जाइए छतरी के नीचे। मगर ये तो काफी है दोनों के लिए, आइए भी वरना भीगेंगे। अरे एक नजर अपनी छतरी पे तो डालिए ये तो। अरे आप दूर खड़े रहेंगे तो कैसे बचाएगी, करीब आइए ना।
ओफो, ऐसी बारिश में शर्माना कैसा? ये भी ठीक है, बारिश में नहीं धूप में शर्माना चाहिए। चलिए। हाँ चलो। वैसे इस मौसम में आप बिना छतरी के कैसे निकल पड़े? क्या करता, ऐसी लाजवाब छतरी मेरे पास नहीं थी ना। तो फिर नहीं निकलना चाहिए था। देखिए ना, बारिश के साथ साथ हवा भी कितनी तेज चल रही है, ज्यादा भीग जाते तो सर्दी जकड़ लेती आपको। जरूर जकड़ लेती, लेकिन आपकी छतर छाया ने मुझे बचा लिया। थैंक यू वेरी मच। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। हां चलिए मुझे भी। ओह सॉरी, मैंने जैसे ही आपको खिड़की से देखा मैं छतरी लेकर दौड़ी। बड़ी मेहरबानी की आपने। बिल्कुल नए डिजाइन की छतरी है आपकी, विदेशी है क्या, इम्पोर्ट? नहीं 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 जी, बहुत पुरानी है, पापा की है। ओह अरे, आप इतना भीगे कैसे? पसीने से जी, पसीने से, वो जो मैं शर्मा रहा था। वैसे आप अपनी बेमिसाल छतरी बंद कर सकती हैं, हम अंदर आ गए। हाँ हाँ।